नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के तहत आरपीएससी से संबंधित आपको दो महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती और अन्य भर्ती से संबंधित आरपीएससी की ओर से आज की दो बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आप शिक्षा विभागीय आदेश के अलावा रिजल्ट आंसर की, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक कार्यालय आदेश जारी हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक यहाँ पर दिए हुए हैं। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा हिंदी आरपीएससी 22-23, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा हिंदी के पद पर मैट्रिक L12 पर चयन उपरांत संलग्न लिस्ट, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, कितने अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है। और हिंदी के पद पर 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन परीक्षणार्थी जी, या प्रोफेशनल ट्रेनिंग पीरियड जो होता है उसमें स्कूल शिक्षा हिंदी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। जी हाँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022 हिंदी विषय के अभ्यर्थियों की एक और लिस्ट जारी हुई है, तो उस लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उनको कब तक कार्यग्रहण करना है, इसे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है, और कार्यग्रहण जी हाँ उससे पहले आवश्यक दिशा निर्देश, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग पीरियड होता है, जी हाँ परीक्षाधीन काल जो होता है उसमें क्या क्या उनको लाभ दे होंगे उससे संबंधित, और आरपीएससी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पहले आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया होना वांछित है, उससे संबंधित अपडेट है। और तीसरे नंबर के पॉइंट में संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रशैक्षिक अंक तालिकाएँ, प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेज के साथ मिलान करें, उससे संबंधित यह अपडेट है। तीसरे नंबर पॉइंट में, चौथे नंबर का पॉइंट है यहाँ पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक के अनुसार होना चाहिए यहाँ पर। और इसके अलावा छठे नंबर का पॉइंट है यहाँ पर, सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022 हिंदी विषय की जो एक और लिस्ट जारी हुई है उससे संबंधित है, इनको कब तक कार्यग्रहण करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक द्वारा दहेज एवं धूम्रपान संबंधी स्वयं घोषणा पत्र, पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिकों से विभागीय आपत्ति प्रमाण पत्र, अब आपको ले चलते हैं सीधे कि कब तक इनको कार्यग्रहण करना है और लिस्ट की जानकारी के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 मार्च 2024 तक इनको पद स्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो 10 अभ्यर्थियों की ये लिस्ट जारी हुई है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है, जो 10 अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट वाले कॉलम में कैंडिडेट की फ़ोटो दी गई है, से पहले डिस्ट्रिक्ट है, पोस्टिंग पैलेस और मेरिट नंबर, कैटेगरी टाइप, बर्थ डेट और एड्रेस इनका, फादर्स नेम और नेम ऑफ कैंडिडेट और रोल नंबर। इस प्रकार से ये 10 कैंडिडेट की लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आरपीएससी से संबंधित एक और बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आज की एक और बड़ी अपडेट देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, कनिष्ठ विधि अधिकारी 2023 विधिक और विधिक कार्य विभाग के पद हेतु द्वितीय चरण के साक्षात्कार दिनांक 5 मार्च 2024 से 7 मार्च 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही वो कनिष्ठ विधि अधिकारी JLO भर्ती से संबंधित यह अपडेट है, इसमें जो द्वितीय चरण के इंटरव्यू हैं वो 5 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित होंगे, उससे संबंधित अपडेट यहाँ पर। और जैसे इनके एडमिट कार्ड जारी होंगे आपको इस बारे में सूचित किया जाएगा। तो यह थी इस समय की आरपीएससी से संबंधित दो बड़ी अपडेट। उम्मीद है साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं साथियों एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।